हरियाणा में आप रह रहे हो क्या करवा दिया आपने हां ये ऐसे आप स्टार्ट करोगे तुम ऐसे हो गए स्टार्ट स्टार्ट हो <laughs> ओके ये सबके लिए बहुत शॉक था हाँ। उन लोगों के लिए शॉक था जो कि ट्रैवल करके आए उन लोगों के लिए शॉक था जिन्होंने एग्जिट पोल्स किए हालांकि एग्जिट पोल्स आ, काफी गलत आते हैं पर इस बार लग रहा था शायद ठीक हो कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ा शौक़ था और मुझे लगता है बीजेपी के लिए भी शायद इतना सब इतना वो एक्सपेक्ट शायद ना कर रहे हूँ हालांकि उनके स्पोक्समैन कर रहे थे कि हम जीत रहे हैं जीत रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा क्योंकि जब घूमे तो लोग चेंज की बात करते थे नौजवान कहता था कि हमारे कंडीशन अच्छे नहीं हैं बेरोज़गारी के बारे में लोग कहते थे जॉबलेसनेस और लोकल इश्यूज तो बहुत उठाए उन्होंने शहरों में बीजेपी की तरफ झुकाव था नो डाउट अबाउट इट रूरल एरियाज़ में नहीं था तो जाट कम्युनिटी का तो सब लोग जानते ही थे मैं तो दो साल से जा रही हूँ कुछ कुछ ना कुछ एरियाज़ में और किसान आंदोलन के बाद जाट बेल्ट में क्लियरली एक नाराज़गी थी और पिछले साल तो काफ़ी हमने टवर्क किया विनेश बिनेश फोगट का गांव और उस एरिया में जबकि रेस्लर्स की आंदोलन चल रही थी उनका आंदोलन चल रहा था कि क्या लोग वहाँ के सोचते हैं और कहीं ना कहीं जाट उससे जुड़ गया था और जाट उसको सिर्फ सेक्सुअल हरसमेंट के अगेंस्ट लड़ाई नहीं मान रहा था उसने इसको अपने ऑनर की, की लड़ाई मान ली थी तो हर जाट फैमिली से आइडेंटिफाई कर रही थी और कुछ फैमिलीज तो डरती थी कि हम अपनी लड़कियां जो ट्रेन कर रही हैं रेस्लिंग में रखें कि नहीं बाए लार्ज चाहते थे कि लड़कियों को इस तरह का एक्सपोजर हो और हरियाणा में रहते हुए ये मालूम है ओवर द इयर्स लड़कियों इट्स अ कंजर्वेटिव सोसाइटी और ये अपनी लड़कियों को आगे करना कई मदर्स के हम चाहते हैं कि हमारी लड़की ये करे एमए करे पी करे ये मैंने पिछले दस साल बारह साल में बहुत परिवर्तन देखा है जो इस मूवमेंट से आया तो खैर जाट का मन बना हुआ था जाट को गुस्सा था कि इस बार जाट चीफ मिनिस्टर नहीं बना जब नरेंद्र मोदी पावर में आए तो कई चीज़ें थी और जाट ने हवा बनाई बी कांग्रेस के फेवर में क्योंकि आर्टिकुलेट है वोकल है डंके की चोट पे कहता है जो कहता है तो आ, सो उससे एक फीलिंग भी आई पच्चीस है जाट कि इस तरफ बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं और और कम्युनिटी दलित के से भी ओ में से भी और बीजेपी मैं तो आहिरवाल में घूमी बीजेपी के जहाँ स्ट्रॉन्ग गढ़ माने जाते हैं वहाँ भी टक्कर देखी जा रही थी तो इस ये, ये पृष्ठभूमि में जब इस तरह का आया तो सर्टेनली चौंकाया अब आंकड़े देखो जो सीट्स के निकले हैं उससे लगता है कि शायद दलित जो कि कांग्रेस की तरफ झुका था लोकसभा इलेक्शंस में जिसकी वजह से कांग्रेस को पांच लोकसभा सीटें मिली हरियाणा में और पांच बीजेपी की ले रही और जिसकी वजह से नेशनली बीजेपी को मजॉरिटी नहीं मिली और बीजेपी ये कहती है कॉन्स्टिट्यूशन राहुल गांधी खड़े करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का असर असली दलितों में हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल ना दें चार सौ पार्ट से और हमारा आरक्षण ख़त्म ना हो जाए ये एक मैसेज चला गया सर दलित झुका एक बड़ा तबका दलित का कांग्रेस की तरफ झुका और कई पार्ट्स में ओ भी झुके मुझे लगता है शायद और अब मैं कॉन्वर्सेशन जो दलित बस्तियों में गई वो रिकॉल करती हूँ रिजल्ट्स के बाद नहीं। 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 वो आते हैं ना वापस आपको किसने ये कहा था हाँ फ्लाशबैक मुझे लगता है कि शायद एक भारी बैकलाश हुआ है अच्छा। दलित और ओबीसी वापस बीजेपी की तरफ गया है और ये इस डर से गया है कि जाट का राज आएगा हुडा <coughs> का राज वापस आएगा जाट शाही हमें नहीं चाहिए और यहाँ सोना में एक दलित दलित बस्ती में बैठे हुए थे दलित दोपहर में तो वो तो कह रहे थे नॉन जाट सीएम बनना चाहिए उनको भी लग रहा था शायद कांग्रेस आएगी पर सीएम नॉन जाट बनना चाहिए अच्छा ये कईयों ने कहा शैलजा कौन चाहते हैं कुमारी शैलजा नहीं तो उदय भान को बना दो जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं नहीं तो अशोक तनवर अभी घंटों पहले आए थे पार्टी में उनको बना दो किसी को बना दो पर जाट से एक डर था कि जाट हमारे सिर पर बैठ जाएगा तो वो मेजॉरिटी का डर था एक जो मेजॉरिटी मतलब comments. जाट के रूल से एक था कि हम हमको मैम जाट के रूल से था या भूपेंद्र हुड्डा के रूल से था दोनों मिक्स थे देखिए किसी ने ये मुझे कहा उसी मीटिंग में जब मैंने ये ये बात की उन्होंने कहा देखो पहले बंसी लाल का भी रूल हुआ है जाट चीफ मिनिस्टर थे देवीलाल का भी रूल हुआ है चीफ मिनिस्टर थे इस तरह से जाट शाही की जो बात करते हैं वो नहीं हुई थी और कम्युनिटीज़ के साथ भी था तो एक धारणा थी कि जाटों को फेवर करेंगे जैसे जो प्रधानमंत्री का वो भी रिपीट करते थे जो खर्ची पर्ची करप्शन कि भाई आप नौकरियां देंगे पैसा लेके देंगे और अपने लोगों को देंगे एक फीलिंग थी अब सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं इसमें कितना तथ्य है मुझे मालूम नहीं Uh, तो uh, ये कंसोलिडेशन जा नॉन जाट बीजेपी के पीछे खड़ा था 2014 में भी 2019 में भी जिसकी वजह से बीजेपी जीती मुझे लगता है इस बार और जम के गया और एक उसमें भय भी है ये वापस हो गया तो हम क्या करेंगे और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने गलती की के सारे पत्ते सिर्फ हुडा फैमिली को दे दिए हु, मिस्टर हुडा को दे दिए सीनियर हुडा को क्योंकि उन्होंने टिकटों का डिसाइड किया इस बार अच्छा ये भी सही है कि 2019 में जब सबको बांटा था टिकटें तो औरों के टिकटों में लोग जो खड़े हुए थे वो लोग वो फिर विजयी होके नहीं आए थे आ, ये भी है ये भी एक सत्य है और मिस्टर हुडा हैं तो बहुत सीजनड हैं वेटरन हैं अनुभवी नेता हैं उनको हरियाणा की पहचान है और इन सालों में सामने खड़े हैं वो वो सही है लेकिन जो दलित में कॉन्शियसनेस उभरी है और जो बदलाव आया है जो भाषा आज दलित बोल रहा है आ, जैसे किसी ने कहा मुझे कहा कि एक स्वीपरस बोली थी मैं इतनी काली हूँ और कितनी काली होंगी मतलब और कितना हम इतना सहते हैं और कितना हम सहें जो हमारे खिलाफ होता है तो एक फीलिंग है कि बस बहुत हो गया पहले जैसे कांग्रेस में ये होता था कि जाट के साथ में दलित वोट जुड़ा होता था अब की बार जैसे आप बता रहे हो कि दलित को ये लगा कि जाट शाही गई तो ये हमारे को तंग करेंगे प्लस में बीजेपी का बैक उनको कि पैतीस बनाम एक होलो जाट और नॉन जाट और प्लस में उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पर्ची खर्ची तो ये सारी चीजें जब हमारे को अभी दिख रही हैं ये तब पहले क्यों नहीं दिख रही थी नहीं और ये हुआ कब ये लास्ट के दो दिन में हुआ या कब नहीं देखिए ये कई जो दलित नेता है ना वो कहते हैं ये टुवर्ड्स द एंड हुआ है अच्छा लास्ट में हाँ लास्ट के दो दिन में नहीं दो दिन तीन दिन पाँच दिन ना मैं नहीं कह सकती हूँ वो मैं नहीं कह सकती हूँ और जैसे मेरी बातचीत हो रही थी ये दलित बस्ती में खास दलित बस्ती में गई थी टू तो, गेट एन आइडिया और काफी घंटे रही वहाँ उस समय जो वो कह रहे थे शैलजा के बारे में कि उनको अच्छा नहीं लगा जिस अच्छा। तरह से शैलजा को दरकिनार किया गया अब शैलजा ऐसा तो है नहीं कि दलित वोट को ट्रांसफर करती आई है भाई किसी कैंडिडेट को खड़ा कर दें और दलित वोट उनका ट्रांसफर हो जाएगा अभी तक तो ये नहीं हुआ है ना लेकिन वो दलित अस्मिता या दलित फीलिंग की प्रतीक बन गई शैलजा के साथ दरकिनार कर दिया अब तो हमको हम सबको दरकिनार करते आए एक एक हो वो एक, एक सिंबल होता है ना जैसे वो बन गया और किसी ने कहा मुझे जो अब मुझे मैं रिकॉल करती हूँ ना कि शैलजा घर बैठ गई एक दो हफ्ते तो पार्टी का स्टॉक नीचे हो गया था पंद्रह दिन बैठी हाँ पंद्रह दिन बैठी और जब वो राहुल गांधी की मीटिंग में गई रैली में और भूपेंद्र सिंह हुडा के साथ स्टेज पे थी उसके बाद मतलब स्थिति सामान्य हो गई है और तो थोड़ा मामला स्टेबलाइज कर गया कांग्रेस के लिए तो उसने कहा अगर शैलजा और बैठ जाती तो बीजेपी जीत जाती अब इन वर्ड्स <laughs> को मैं याद करती हूँ क्योंकि बाद में यही हुआ <laughs> तो मतलब यह है कि इट्स नॉट अबाउट सेल्ज़ा। इट इज अबाउट फील और उनमें जो एक ये भावना हुई है इसको रिकग्नाइज करने पड़ेगा ओबीसी में भी ये है उनमें है कि जैसे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह कहते थे <laughs> जो मंडल लाए थे ओबीसी के बारे में ये सहूलियत का सवाल नहीं है कि आपने एक को मिनिस्टर बना दिया या आपने कुछ वेलफेयरिज्म दे दिया ये सवाल है सत्ता में शिरकत का अच्छा वो नहीं दिख रही थी अरे वो सत्ता में शिरकत वो चाहते हैं वो कह रहे हैं हमारा सीएम होना चाहिए हमारा 21 परसेंट वोट है सिर्फ दलित का उसमें ओबीसी ऐड कर दीजिए अब जाट का 25 परसेंट है जाट को हमेशा अहमियत मिलती रही है अब कांग्रेस का जो फेलियर है वो ये है कि जो, जो, जो कि पहले एक ज़माने में अम्ब्रेला पार्टी होती थी मतलब सांप सबको साथ लेके उस अम्ब्रेला के अंदर आज मुश्किल हो गया कंपेटिटिव पॉलिटिक्स में लेकिन फिर भी कांग्रेस से जो एक्सपेक्टेशन होती है सबको साथ लेके चलना और किसी न किसी तरह ये नहीं लोगों ने कहा किसी ना किसी तरह अगर मान लीजिए मिस्टर हुडा को बनाते भी हैं उन्होंने कहा तो एक ऐसा पावर शेयरिंग फॉर्मूला हो जिसमें शैलजा और औरों की बात भी सुनी जाए और उसको अहमियत दी जाए okay. उनको अलग थलग नहीं किया जाए तो ये जो फैक्शनलिज्म हुआ ना पार्टी के अंदर विजिबली फैक्शनलिज्म हुआ सामने आया और टिकटों का बंटवारा इस तरह हुआ कि सारी भूपेंद्र सिंह हुडा ने डिसाइड की सेवेंटी टू आउट ऑफ नाइन्टी और शैलजा के मेन जो लोग थे चार उनको नहीं मिली और शैलजा अपने आप जो कंटेस्ट तो करना चाहती थी कि असेंबली में हालांकि लोकसभा में भी लड़ी और बहुत शानदार जीत थी उसने इस बार जिसका मतलब था दलित ने भी दिया जात ने भी दिया सब लोगों ने दिया तो वो नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कम्युनिटीज़ जो है ना जो हमारी अभी तक किनारे पे रही हैं या आने आ भी रही हैं दलित ऐसा नहीं कि एकदम किनारे पे पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं लेकिन वो आ, अब ज़्यादा अपना रोल देख रहे हैं अच्छा और पार्टीज़ को इसको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा मैम मुझे हाईकमान को क्यों नहीं दिखाया चीज़ क्या कोई मजबूरी है जो हुआ चलो मजबूरी हो सकती है कि हड्डा ने पांच साल मेहनत भी की और कोई नेता था भी नहीं हुआ जो कांग्रेस को खड़ा कर पाएडा ने, ने किया पर मजबूरी कि तो। देखो कोई भी पार्टी और हाईकमान पार्टी का ये नहीं चाहेगा कि पार्टी हारे है तो डिलीबरेटली ऐसा नहीं करेंगे की हम हार की तरफ बढ़ जाएं उससे उनको क्या मिलता और भूपिंदर सिंह सिंह ने भी बात की छत्तीस बिरादरी की हमारी सरकार आएगी छत्तीस बिरादरी कहने में तो कहा पर सिग्नल बहुत अलग चल गए चले गए थे उन्होंने ये भी बात की कि आगे जाके चार डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स होंगे आपको याद काफ़ी पहले उन्होंने कहा था बार बार उन्होंने भी कहा पर सिग्नल जैसा मैंने कहा बहुत अलग गए थे तो हाई कमांड ने सोचा कि अगर सारे पत्ते मिस्टर हुडा के हाथ में दे दिए जाएं खर्चा भी वही कर रहे हैं <laughs> पैसे वैसे का जुगाड़ भी वही कर रहा हाँ तो सब चीज़ें तो ये बाजी निकाल ले जाएंगे एक कैलकुलेशन था पर वो उस कैलकुलेशन में दलित क्या फील करता है ओबीसी क्या फील करता है और लोग क्या फ़ील कर रहे हैं एक्चुअली में स्थिति क्या है ग्राउंड पे आ, उसका शायद आभास नहीं हुआ जो होना चाहिए था मैम जो ये जे जे पी और ये और क्या के जाने से बीजेपी को फायदा हुआ है देखिए अगर जे जे, जे जे पी जे का देख लीजिए ना खत्म है वो तो खत्म हो गए पिछली बार बीजेपी जीती जो चालीस पे आ गई हुँ. ऐसा नहीं कि बीजेपी को जाट वोट नहीं मिला है जाट वोट बीजेपी मिला है अच्छे से मिला है, हाँ, मिला है? इस बार मिला है लेकिन मुझे लग, क्या लगता है अगर आप जाटलैंड की सीट्स में देखिए अशोका यूनिवर्सिटी के कुछ डांकड़े कल में देख रही थी तो उसमें उनतीस जाट डोमिनेंट सीट्स में आ, बहुत बड़ा सेक्शन है जो जाटों को दे रहे हैं वो आई थिंक उन्नीस आई आई रिमेम्बर राइट आ, इसका मतलब ये नहीं कि उस उन्नीस उन्नीस में जाट क्या है मतलब ये ट्वेंटी परसेंट जाट एंड अब, अब है अब ट्वेंटी परसेंट अब बाद बाद में फिफ्टी परसेंट तो नहीं है ना जाट है किसी भी आ, मतलब तो आ, होगा तीस ज्यादा से ज्यादा कुछ में कुछ में बीस मुझे लगता है इन सीटों में जीते हैं क्योंकि काउंटर पोलराइजेशन नॉन जाट पोलराइजेशन चमके हुआ भी। जाट जाट लैंड में अच्छा। जिसकी yes. वजह से जाट एरिया जाट डोमिनेंट सीट्स में भी वो जीते हैं और रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जहाँ की कांग्रेस की बढ़त रहती थी जनरली जे, जे, अर्बन में बीजेपी की है आ, हमेशा ये रहा है और अर्बन में इस टाइम ऑलमोस्ट हाफ हाफ है उससे भी लगता है कि रूरल में नहीं अर्बन में तो ज़्यादा है रूरल में हाफ़ हाफ है उससे लगता है कि दलित तो ओ सी रूरल का गया है कांग्रेस बीजेपी की तरफ हम तो जैसे बंटवारे की राजनीति करते हैं बीजेपी हमेशा से ही करती आई है तो क्या उन्होंने वो स्टेज सेट कर दिया था दलित के लिए कि वो बोल पाएँ और वो कांग्रेस को हरा भी पाएँ और उन्होंने कर भी दिया देखिए सेट तो प्रधानमंत्री हम कह रहे हैं यार मीटिंग में कहते हैं दलित का आरक्षण लेने वाले हैं ये लोग ये लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हैं खर्ची पर्ची वगैरह का तो जिक्र किया तो वो नॉन जाट कंसोलिडेशन तो वो चाहते थे और ये नहीं चाहते थे कि एंटी इनकम्बेंसी की लड़ाई हो जाए क्योंकि तो इसीलिए सैनी को लेके हाँ इसीलिए मनोहर लाल खट्टर को हटाया और नायब सिंह सैनी को लेके आए एक ओ बी सी चेहरा है तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक वो स्ट्रैटेजी काम की है नया चेहरा हालांकि पाँच महीना बहुत कम होता है बट ये उल्टा मुझे लगता है एक बैकलाश था अधिक और प्रो वोट नहीं था इतना कि भाई नॉन जाटो ने बीजेपी को फेवर किया ओके okay. मैम जैसे कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हूडा ने टिकट बांटे और जिन लोगों को टिकट नहीं मिले क्योंकि बहुत ज़्यादा दावेदार थे उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा जिन्होंने निर्दली निर्दलीय चुनाव लड़ा उनको बीजेपी ने एक बैक दी अच्छी खासी और वो निर्दलीय बीस हजार पच्चीस हजार तीस हजार पंद्रह हजार दस हजार वोट लेके आए और उन्होंने जाट के उनको गए कांग्रेस के वोट उनको गए और वहां पे बीजेपी निकल के आए उचाना में ऐसा हुआ बारा में ऐसा हुआ महेंद्रगढ़ में ऐसा हुआ तो ये एक स्ट्रेटजी थी आ, बीजेपी की निर्दलियों को एक और जो अब फेयर है कि नहीं और बोलने में भी झिझक होती है जो कि गाँवों में बात कर रहे थे लोग <laughs> कि भूपेंद्र सिंह हुडा क्या चाहेंगे कि बहुत बड़ी मेजोरिटी नहीं आए हाँ ये भी मैं पूछने वाला था आपसे कि उतने ही आए जितनी वो ही मैनेज कर सकते कि मतलब साठ आ गए तो उनको बहुत ज्यादा है कि फिर हाई कमांड बना सकती है नहीं। हाँ, उनको अगर पचास से थोड़ा ऊपर आए तो फिर और कोई नहीं है जो चला सकेगा वो सरकार ऐसा बोलते थे अब सही है कि कोई ऐसा करेगा मेरे मुझे तो अजीब ही लगता है कि आप आप विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं और आप कहेंगे नहीं भाई छोटी विक्ट्री कर दो ऐसा होता है क्या पॉलिटिक्स में या लोग अब चीजें उड़ाते हैं मतलब, जब, जैसे मतलब तो है। आप कह रहे हैं जैसे इंडिपेंडेंस हुए आँ, आँ, क्योंकि इंडिपेंडेंस इस बार देखिए जो जाट बेस्ड पार्टी है वो हाँ, तो कलेप्स कर गई ना तो जाट वोट मुझे लगता है कांग्रेस को गया है कांग्रेस का बढ़त हुआ है ग्यारह परसेंट वोट में पिछली बार से और बीजेपी का तीन परसेंट और बीजेपी का तीन परसेंट तो ऐसा नहीं लोगों ने वोट नहीं दिया बट जाट कॉन्स्टिट्युएंसी जहाँ कांग्रेस की कॉन्स्टिट्युएंसी जीती है उसमें जीती है बीस हजार बाईस हजार चौबीस हजार मतलब अच्छी खासी उससे और जब बीजेपी तो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड वोट रहा है बीजेपी का स्प्रेड आउट रहा है वोट छोटे छोटे मतलब बहुत कम उससे जीती है मार्जिन से और स्प्रेड आउट है okay. और वोट शेयर दोनों का बराबर बराबर है मैम जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उचाना कांस्टेंट से है वहाँ पे 32 वोट से ब्रजेंद्र सिंह हार गए और देवेंद्र अत्री है जो बीजेपी कैंडिडेट थे वो जीत गए वहाँ पे तीन निर्दलीय खड़े हुए तीन से चार निर्दलीय उन निर्दलीयों ने करीबन करीबन तिरसठ से अड़सठ हज़ार वोट लिए तो जो अड़तालीस हज़ार वोट कांग्रेस के कैंडिडेट ब्रजेंदर को आए वो उनके पर्सनल वोट हैं जो कांग्रेस चार के वोट थे कि भई ये कांग्रेस को पढ़ने हैं वो निर्दलीय को चले गए क्योंकि निर्दलीय ने कहा कि असली कांग्रेस हम हैं और उन्होंने गुलाबी पगड़ी पहन के वहाँ चुनाव लड़ा जो हुडा को सिम्बलाइज करता है हालांकि दूपेंद्र और भूपेंद्र आके वहाँ पे इसको मना भी करके गए थे पर क्या ऐसा हुआ कि कांग्रेस के इतने तगड़े तगड़े वोट जो साठ साठ सत्तर सत्तर हज़ार निर्दलीय को भी चले गए जाट नाम से उनके कैंडिडेट को भी आगे फिर उसमें जो बीजेपी के जो बंदे हुए चालीस पैंतालीस हज़ार वोट थे उस पे वो जीत गई तो इस खेल को आप कैसे देखते हैं देखिए ये सवाल जो है ना बहुत अहम सवाल है जिसको लोग पूछेंगे जिसका जवाब भी ढूंढेंगे इसको स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि ये बताएगा स्ट्रैटेजी किसकी क्या थी अच्छा, और कितनी काम की हरियाणा में बहुत सारे सवाल उठेंगे अभी तो चौबीस घंटे ही हुए हैं ना <laughs> इसको हरियाणा को बहुत डीपली स्टडी करने की जरूरत है क्योंकि क्या नया हो रहा है ग्राउंड लेवल पे क्या नया हो रहा है क्या किस तरह की रणनीतियाँ बनी ये शायद इसको उजागर करेगा जेपी नड्डा कल कह रहे थे हरियाणा बीजेपी का गढ़ है। तीसरी बार हैट्रिक कोई आज तक नहीं कर पाया बावन साल में छप्पन साल में सतावन साल में आप कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को देखिए तीन बार जीत जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है हरियाणा जैसे <coughs> स्टेट में <coughs> अब गुजरात में एंट्रेंस है मध्य प्रदेश में एंट्रेंड है अब हरियाणा उससे जुड़ गया है और जो बड़ी चीज़ हुई है हरियाणा बहुत छोटा सा प्रदेश है जिसका इम्पैक्ट जो होगा ना एक तो इन्होंने जो फीलिंग हो रही थी कि हिंदी हार्टलैंड में ऑपोजिशन अब सेंड लगाने जा रही है हिमाचल जीत लिया यूपी में डेंट किया बीजेपी को लोकसभा पोल में और अगर हरियाणा अब जीत गए तो मतलब धीरे से इंद्रोज इन इनके होते जा रहे हैं तो हरियाणा एक गढ़ नहीं रहेगा यू हिंदी हाटलैंड एक गढ़ नहीं रहेगा जो तो कि बीजेपी का है जिसको जिसके यहाँ जहाँ कोई नहीं जा सकता ये फीलिंग थी ना एकदम इनविंसिबल फीलिंग एकदम जैसे कहते हैं किला है उनका तो वो फीलिंग उन्होंने बता दिया हमारा किला है और इसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र पे हो सकता है क्योंकि जो काडर है वो प्रोत्साहित हो जाता है अब महाराष्ट्र की लड़ाई सबसे अहम होने वाली है सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है 48 लोकसभा सीट्स हैं फाइनेंशियल हब है झारखंड जहाँ ट्राइबल्स हैं दोनों जगह बहुत अहम लड़ाई होगी और इसका रिपिल इफेक्ट होगा कार्यकर्ता पे होगा लोकल फैक्टर्स क्या हैं वो तो हर एक स्टेट के अलग होते हैं पर मोराल पे होगा तो मैम इसमें दो चीज़ें हैं एक तो हरियाणा में लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले बोलते हैं कि हम सुशासन करने आए उनको सुशासन क्या शासन ही नहीं करना आता तो शासन मतलब ब्लंटली कहते हैं वो ये है चीज़ तो वो लोग तीसरी बार सरकार बना रहे हैं उनको खुद को भरोसा नहीं है कि वो सरकार बना भी लेंगे और वो पर उन्होंने एक स्टेज सेट किया जैसे हम मोटी मोटी जो बात करें एक स्टेज सेट किया पोलराइजेशन हुआ उनकी विक्ट्री हुई अब वो सरकार में आएंगे और वो जो मेजर कम्युनिटी है उनको दोबारा से वो दबा के रखेंगे ताकि जो अलग वोट्स हैं जो उन कम्युनिटी के अलावा वो उनको के वोटर बने रहें ऐसा लग रहा है आपको ऐसा करना पड़ेगा और गवर्नेंस के लेवल पे क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत हैं एस्पिरेशंस हैं यंग पीपल हरियाणा यंग स्टेट है सत्तर परसेंट यंग है इस प्रदेश में तो उनकी एस्पिरेशंस को आप कैसे मीट करेंगे इलेक्शन में तो आप कर लिया स्ट्रेटजी काम कर गई और जाटों को कैसे रीच आउट करोगे एक एकदम बहुत आ, अग्रेसिव कम्यूनिटी है वो उनका क्या रिस्पॉन्स होने जा रहा है तो बहुत नायब सिंह सैनी के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस चा, हैं बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं हालांकि एक, हाला एक उबरता सितारा है वो ओबीसी फेस हिंदी प्रदेश से नौजवान एक नई लीडरशिप है लेकिन चैलेंजेस बहुत होंगे पर मैम एक चीज ये है कि जितने पोस्टर वगैरह घूम घाम के आए थे ये क्या है सारे जाटों से ही पूछ के आगे की <laughs> नहीं ऐसे जैसे मैंने कहा ना कि और कम्युनिटीज भी बोल रही थी चेंज के बारे में इस तो है ऐसा नहीं कि सिर्फ जाट बोल रहा था ये तो जब बात की जब मैंने जैसे कहा अहिरवाल में जहाँ बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है वहाँ टक्कर मानी जा रही थी वही माना जा रहा था दो कांग्रेस जीत जाएगी जीत सकती है और दो बीजेपी गुड़गाव पटौदी बीजेपी जीत जाएगी बाकी दो में बादशाहपुर सोना हो सकता है कांग्रेस ले जाए तो कहीं ना कहीं टक्कर में तो थे ना और लेकिन जैसा कहा ना कि नैरो मार्जिन से जीते हैं और वहाँ कॉन्सेंट्रेटेड वोट हुआ है और अभी आंकड़े जैसे जैसे अभी खुलेंगी चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आएगा अच्छा अभी बहुत टू अर्ली है। टू अर्ली है इसको इसको रियली डीपली स्टडी करने की जरूरत है हरियाणा में जो हुआ है अच्छा तो हम एक दो सवाल है चोटालाज को का फ्यूचर कुछ रहेगा अब हुँ? चोटालाज का फ्यूचर देख रहे हो आप कुछ देखिए मैं पॉलिटिक्स में किसी को रूल आउट नहीं करना चाहिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब दो नेशनल पार्टी हैं जो वहाँ अब इस समय इस समय इस इस दौर में पाँच साल में नहीं पर नौजवान है हुँ? और अबे चौटाला ये ये दोनों देवीलाल परिवार के वंशज हैं जाट पॉलिटिक्स करते रहे हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और स्टेट से जुड़े हुए हैं बहुत समय से मैं किसी को कभी नहीं रोल आउट <laughs> हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में कभी किसी को रोल आउट नहीं करना चाहिए अच्छा आखिरी सवाल क्या जाट अब हरियाणा में नॉन हो जाएंगे नहीं ऐसा नहीं कह सकते आप आप 25 परसेंट पॉपुलेशन को नॉन रेलिवेंट कैसे कहेंगे क्योंकि वो कांग्रेस में नहीं चाहेगी कि इनका नाम लेके एक तरफा सरकार आए क्योंकि वो दे, देख देख चुके हैं बीजेपी ही नहीं रही देर फोर आप बैठेंगे जरूरी नहीं आज जो है वो कल वही रहेगा पॉलिटिक्स बहुत बदलती है जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले पंद्रह बीस साल से देख रहे हैं ना तो आज जो है कल वो रहेगा ऐसा नहीं कह सकते हैं सो so, देखते हैं कि बीजेपी भी जाट्स को रीच आउट करती है ऑल वेस्टर्न यूपी में जाट्स पे रिलाय करती रही है राजस्थान में भी रीच आउट करती रही है uh, तो क्या जाट कांग्रेस के पीछे रहेगा बीजेपी के साथ जाएगा बीजेपी जाट को क्या ऑफर करे, करेगी क्या <coughs> बीजेपी सबको साथ लेके चल सकती है जो कि कांग्रेस को करना चाहिए था कांग्रेस एक कांग्रेस एक अम्ब्रेला पार्टी मानी जाती थी पे वो मिस कर गए या उनके वर्कर्स मिस कर गए मेरे ख्याल कांग्रेस की जो असली कमजोरी है देखिए राहुल गांधी का स्टॉक ऊपर जा रहा है गुडविल बढ़ रही है लेकिन कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन उस तरह से बिल्ड नहीं हो रहा और कांग्रेस के जो नेता हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे जितना उनको देना चाहिए उसके बिना आप गुडविल को कैसे ट्रांसलेट करेंगे वोट में ओके okay. पर हरियाणा में तो स्टेट लीडरशिप थी मैम स्टेट लीडरशिप थी था। पर क्या उस तरह स्टेट लीडरशिप थी नेता थे पर क्या बूथ लेवल पे था ऑर्गेनाइजेशन <laughs> बीजेपी का है ना वो तो लास्ट माइल तक करते हैं लास्ट दम तक करते हैं उनकी जो भी वो वो गिव अप नहीं करते हैं लास्ट तक हर चीज झोंक देंगे क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत मजबूर है बूथ लेवल पन्ना प्रमुख मतलब लेता उनके सारे कैंप कर रहे थे हालांकि प्रधानमंत्री टुवर्ड्स एंड नहीं थे पोस्टर्स में भी प्रधानमंत्री नहीं दिखे टुवर्ड्स गड़ एंड उनको लग रहा था हो सकता है कि उनके जो प्लान कर रहे थे सारी इलेक्शन को वहाँ उनको लगा कि अभी प्रधानमंत्री को प्रोटेक्ट करो पर रिजल्ट तो बहुत अलग निकले ना यही तो वो तो खुद को बचा रहे थे सत्ता उनके जोली में आ गई सत्ता कांग्रेस की उनके वहाँ चली गई मैम एक ये चीज किसको लग रहा है आपको कि कांग्रेस की लीडरशिप मिलेगी अब हरियाणा से हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास ही रहेगी ये बहुत बड़ा सवाल है दीपेंद्र हुड्डा है जाट नौजवान नौ, नौ मुझे लगता है वहाँ अभी लोग जब बात करते थे नौजवानों की लीडरशिप की बात करते थे और शैलजा हैं अब तो अशोक तनवर भी आ गए हैं रणदीप सुरजेवाला है उनका बेटा भी जीत गया है लेकिन और लोग जो एक्टिव हैं कैसे लाएंगे एक नई लीडरशिप को कैसे उभारेंगे हरियाणा में और सबका जो एक तालमेल बिठाने की बात है कम्युनिटीज का वो बहुत जरूरी हो गया है ओके भाईचारा जिसको कहते थे एक बातचीत करके एक साथ मिलके बैठ के निर्णय लिए जाए ओके पूछने करको हां ऑन दैट नोट हाउ यू कल्चरली एंड सोशलली परसीव हरियाणा लाइक ओके हरियाणा गड़बड़ सोशल रिलेशंस सोशल रिलेशंस में द जाट नॉन जाट सेंटीमेंट शार्पन हुआ है मुझे लगता है ये और क्योंकि जाट बहुत आ, अग्रेसिव कम्युनिटी है ज़ोर शोर से बोलती है और जो बैकलैश हुआ है ना मुझे लगता है वो साइलेंट हुआ है एक कारण है कि आभास नहीं हुआ ना जो आप कह रहे थे अगर मुझे बैठ के वो लोग बोल रहे हैं दलित ऐसा सैल्जा का हुआ उनको इतना इग्नोर किया तो बीजेपी जीत जाएगी लेकिन हम तो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं वोट दे रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं <laughs> ये है ना। तो है तो हम कोई फाइनल कंक्लूजन कोई कंक्लूजन नहीं है किस चीज पे हार का या जीत का हार बोल रहा हूं कांग्रेस की हार है बीजेपी की जीत का नहीं कांग्रेस को कांग्रेस तो, को बहुत चीज़ें इससे लर्न करनी होंगी और आई एम श्योर वो करेंगे भी इसका पूरा पोस्टमार्टम होगा क्या निकालेंगे उससे निष्कर्ष वो देखते हैं वो कैसे लागू होगा ट्रांसलेट होगा डिसीजंस में पर क्लियरली मतलब आप टेक फॉर ग्रांटेड नहीं हो सकता कि हम जीत रहे हैं बैठ जाओ आराम से लास्ट मिनट तक आपको कांग्रेस की ये एक, एक कमज़ोरी रह, रहती है ऑर्गेनाइजेशन <coughs> की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और अल्टीमेटली तो मैं जैसे कहती हूँ इंडियन वोटर जिंदाबाद ये तो इतना सरप्राइज करता है हर इलेक्शन में <laughs> तो आप जैसे बीजेपी को इलेक्शन मैनेजमेंट मशीन कंसीडर कर रहे हैं जैसा आपने बोला कि दे हैव प्रीटी गुड मैनेजमेंट सो इलेक्शन इज जस्ट फॉर्मेलिटी रह गई है जिसमें मतलब जो करंट गवर्नमेंट है या फिर कोई भी गवर्नमेंट है उनको दे हैव द देयर होल्ड ऑन एवरीथिंग तो ये कह रहा है इलेक्शन प्रोसेस तो उनके लिए अब ऑलमोस्ट फॉर्मेलिटी रह गई है वो तो जीत ही जाते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके बीजेपी वाले नहीं पर मेहनत तो करते हैं ना हम्म बहुत मेहनत करते हैं अब सारे उनके टॉप लीडर्स वहाँ जमे हुए थे हम्म क्योंकि उनको पता है हरियाणा की अहमियत क्या थी हरियाणा हार गए तो लोकसभा इलेक्शन के बाद ग्राफ नीचे जाएगा और फिर एक बार नीचे जाता है ना तो बहुत जल्दी-जल्दी जाता है रंग हो जाता है पूरा तो मान वोटर्स इतने इन्फ्लुएंस के इतनी जल्दी कैसे हो जाते हैं मुझे लगता है कि बहुत सोच देकर ऐसा नहीं कि इतनी जल्दी आपने बोला और नहीं करते लोग सोचते हैं इतना इंडियन वोटर बहुत होशियार है जी और मैंने पिछले बार आपसे पूछा था कि सबसे बेवकूफ वोटर कौन सा लगता है आपको इंडिया में <laughs> तो <laughs> या सब या या ये पूछना चाहिए कि सबसे समझदार वोटर कौन है <laughs> तो आप 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 बताओ अब कौन देखो कौन दे? ना हरियाणा में लगा कि ये हालांकि चेंज होना चाहिए ये कम्युनिटीज को मुझे लगता है लगा हाँ। कि हम हमारे लिए खतरे से खाली नहीं अगर ये हो गया हुँ? हुँ। सही गलत वो अलग चीज है आ, अब जम्मू एंड कश्मीर में देख लीजिए पॉलिटिकली स्टेबल सरकार बना दी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो लीडर है उमर अब्दुल्ला बुरी तरह से हारा लोकसभा इलेक्शन तो दो लाख वोटों से हारा इंजीनियर रशीद ने उसको हराया जेल में बैठ के वही वो, वो दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत गया इस बार क्योंकि लोगों ने मन बनाया हुआ था कि ये सबसे ऑर्गेनाइज पार्टी है और ये हमारी बात कहेगी इस समय हमें ये चाहिए इनको मेजोरिटी से जम के लाया जाए और अब वहां जम्मू के वोटर को लगा कि कांग्रेस तो कहीं भी नहीं है जम्मू में कांग्रेस का एक सीट जीतना बताओ मतलब पार्टी जो कि नेशनल प्लेयर है और जहां आप मानेंगे नहीं जम्मू कश्मीर में जब वैली में गई थी तो बहुत लोगों से मिली मैं वहां जम्मू में मैं नहीं गई वैली में गई हुँ. तो जिससे भी मैं मिली सड़क पे घर में सबसे मैंने सवा, एक सवाल जरूर किया था बहुत सवालों में उसमें था राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या राय है आई वॉज सो सरप्राइज कोई एक शख्स नहीं था कोई एक भी नहीं विदाउट एक्सेप्शन जिसने अच्छी चीज ना कही हो गुड लीडर हमारे पास आए इस तरह से आए जिस तरह से वो सोच रहे हैं एक तो था जिसने कहा मैंने कभी हाउस वोट में दुकान है उसकी मैंने कभी वोट नहीं दिया मैं बिलीव नहीं करता क्योंकि वोट का मतलब ही क्या हम तो पिटते ही रहते हैं ना मेरे फादर उन्होंने कितने सालों से दिया है जब तो जैसे वो शिकारा जा रहा था तो मैं मैंने उसकी तरफ मुड़ के देखा मैंने कहा पर राहुल के राहुल गांधी के बारे में क्या आपकी राय है उसने कहा <laughs> और बहुत नौजवानों ने अब इतनी गुडविल हुई और आप छह सीटें लाए मैम बंदे ने प्रचार तो नहीं किया वो यूनाइटेड स्टेट्स में बैठा था जब तो चुनाव हो रहा था तब तो। तो, रैली तो करता बात तो करता कि वोट तो मांग लो कम से कम वोट ही नहीं मांगे दैट्स इट नो वोटी नहीं मांगे और पार्टी ने भी नहीं इंसिस्ट किया कि ये ये आपकी रैलीज होंगी अब उमर अब्दुल्ला को बोलना पड़ा कि कांग्रेस के खिलाफ बोलना पड़ा आ, कि, कि जम्मू में कांग्रेस जाके करे कैंपेन फिर आ, प्रियंका गांधी और और कुछ और लोग आए उनकी रैली हुई एक लास्ट डे लास्ट डे से एक दिन पहले लेकिन ये प्लान नहीं था ना कि कैसे करना और बीजेपी को देखो राम माधव को भेजा और सब लोग जमे हुए हैं वहाँ और लीडरशिप थी और कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा जा रहे हैं बताओ उस स्पोक्स पर्सन को तो नेता समझते हैं नहीं प्लानिंग ही नहीं था ना एक क्या कहें समझ में नहीं आता ये कांग्रेस के बारे में मैम एक एक बात तो है कौन टोक दे उनको पढ़े आदमियों को कांग्रेस में हिम्मत किसकी है जो टोक के बोल दे कि कर ले ये भी तो है और गुडविल अच्छी होती है तो वो डर लगता है उनको कि हमारा इलाज ना कर देंगे इनको बता दिया तो इससे अच्छा एक स्टेट गया तो जाने दो तो ये सब चीजें कांग्रेस को देखनी पड़ेंगी गिव अप तो नहीं कर दिया के थक, नहीं गए। थक का अभी तो घूम रहे कल वो किचन विचन में भी गए थे कहाँ दिल्ली किचन बता रहे क्या सीन है पर मैं से भी डर गए लोग एक तो है उनसे चिड़ तो हो गई भूपेंद्र से उनको लगा कि भाई इतना पावरफुल बना दी इस आदमी को ना तो ये हाल, आला कमान के बस का है ना यहाँ वैसे मार रहा है तो इसको लोगों ने <laughs> <laughs> वो लो वो क्या आ? करते हैं उनका रोल रहेगा उनके बेटे का दीपेंद्र हड्डा उन्होंने काफी मेहनत की पिछले मेहनत तो बाप बेटे ने दोनों की और अब देखिए कैसे संभलता मामला कांग्रेस का हरियाणा में ओके मैम देन टाइम हो गया आपको ओके okay, मुझे भी भागना है यस थैंक यू आप लोगों ने चाय पी हाँ मैंने पी ली ओके okay. आपकी चाय रहेगी